हिमालयवासी महान योगी ने मोहन को नई रोशनी दिखा दी थी। मोहन की आंखों के आगे छाया तमाम अंधेरा रोशनी की इस किरण द्वारा मिट चुका था। मोहन अब बहुत हल्का महसूस कर रहा था। शेरू के जाने का दुख उसके मन में जरूर था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी अब वो देख पा रहा था। मोहन अगले दिन बिल्कुल हल्के मन के साथ ध्यान करने बैठा। आज मोहन बिना किसी प्रयास द्वारा ध्यान की गहराई में उतर पा रहा था। थोड़ी देर में उसे प्रकाश ही प्रकाश नजर आने लगा। मोहन को यह महसूस हो रहा था कि वो अपने शरीर को पीछे छोड़ चुका है। शरीर के बिना उसके आनंद में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो आनंद तो कई गुना बढ़ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि शरीर के बंधन अब उस पर लागू नहीं हो रहे हैं। रोशनी के मार्ग पर वो ज्योति रूप में आगे बढ़ता चला जा रहा था। इस बीच कई बार उसे ऐसा लगा मानो वो पृथ्वी की सीमा के बाहर जा चुका है। कभी उसे लगता कि वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो चुका है। इस अवस्था में कभी वो महान योगियों को देख रहा था, तो कभी दूसरी दुनिया के लोगों को। कभी वो विचित्र फूलों की बगिया में था, तो कभी आकाश में बादलों के बीच। वो किसी और ही दुनिया में आ गया था। आनंद का ऐसा दिव्य अनुभव उसे पहली बार हो रहा था। इस अवस्था में कई दिनों तक बने रहने के बाद एक दिन एकाएक उसकी आंखें खुल गईं। आनंद की अद्भुत अनुभूति ने उसके रोम रोम को पुलकित कर दिया था। वो सोचने लगा कि संभवतः यही वो अनुभव है जिसे पाने के लिए साधक ध्यान, योग और तंत्र का सहारा लेते हैं। लेकिन वापस अपने शरीर में आकर वो थोड़ा दुखी भी था। अब उसे अपना शरीर भी एक प्रकार की बाधा मालूम होने लगा था। समाधि अनुभव में ऐसा आनंद का अतिरेक था कि मोहन दोबारा अपनी आंख बंद करके ध्यान में उतरने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ये अनुभव पुनः प्राप्त करने के लिए उसे हिमालय के महान योगी का सानिध्य प्राप्त करना जरूरी है। केवल खुद के प्रयास उसे कभी इस अवस्था में नहीं पहुंचा पाएंगे। इस मार्ग पर किसी सिद्ध के मार्गदर्शन की कितनी आवश्यकता होती है, वो ये भली भांति समझ पा रहा था। मोहन को अब विचार आ गया था कि हिमालय की दुर्गम कंदराओं में बैठकर महायोगी क्या करते होंगे और क्यों वो संसार में नहीं आते। मोहन ये भी समझ चुका था कि अनेक जन्म गवा कर भी ये अनुभव प्राप्त हो जाए तो भी ये लाभ का ही सौदा है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो इस अनुभव के लिए दाव पर ना लगाया जा सके। अभी तक मोहन ने जो महसूस किया था वो सुख और दुख ही थे, लेकिन आज उसे पहली बार आनंद की झलक देखने को मिली। आनंद का अनुभव लेने के बाद ही उसे समझ आया कि ये सुख दुख से परे एक अलग ही अनुभव है। इस अनुभव ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था, और ये स्वाभाविक भी है। एक बार इंसान को असली हीरे मिल जाए तो वो उसके बाद भला क्यों कंकर पत्थरों की फिक्र करेगा। मोहन को ये समझ आने लगा कि क्यों अनेक योगी अपने वस्त्र तक त्याग देते हैं। वो उसी अवस्था में रहना चाहते हैं जो कि ईश्वर प्रदत्त है। समाधि के महाअनुभव को एक बार चख लेने वाला बाहरी आवरण और वेशभूषा की भला क्यों फिक्र करेगा। वो ये फिक्र भी क्यों करेगा कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता। मोहन समाधि से बाहर जरूर निकल आया था, लेकिन उसे अद्भुत अनुभूति अब भी हो रही थी। अब उसे ना भूख प्यास लग रही थी, ना ही नींद आ रही थी। एक अलग ही मस्ती उसके अस्तित्व पर छाई हुई थी। इस अनुभव के बाद मोहन अपनी बनाई कुटिया में भी नहीं गया।
बचपन से जो गरीबी उसने देखी थी वो उसके अंदर ही रच बस गई थी। लेकिन समाधि के अनुभव ने मानो उसकी आत्मा का शुद्धिकरण कर दिया हो। अब उसे कुछ नहीं होते हुए भी परम तृप्ति का अनुभव हो रहा था। उसके जीवन का कुल सार अब यही बचा था कि इस अमूल्य धरोहर को अपनी आत्मा में सहेज लिया जाए और कैसे भी करके इस अनुभव में दोबारा प्रवेश किया जाए। मोहन अब आगे की यात्रा करने निकल पड़ा। हिमालय की तलहटी से अब वो हिमालय के शिखरों की तरफ बढ़ चला। मेले में अकेला और अकेले का मेला का भाव उसके मन में था। उसके मन में अब कोई चिंता नहीं थी। वो रास्तों की भी चिंता नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि महान योगीराज का वचन झूठ नहीं हो सकता। उन्होंने उसे दर्शन देने का कहा है तो वो निश्चय ही उसे दर्शन देंगे। उसे विश्वास हो गया था कि वो कहीं भी जाए हमेशा उनकी दृष्टि में ही रहेगा। रास्ते में चलते चलते मोहन को एक पहाड़ पर बनी गुफा दिखाई दी। अज्ञात प्रेरणावश उसे गुफा में प्रवेश करने की इच्छा हुई। मोहन ने पास जाकर देखा तो गुफा बहुत गहरी दिखाई दी। गुफा के द्वार पर कुछ देर खड़ा होकर वो कुछ सोच में पड़ गया। इसके बाद वो निर्भयता पूर्वक उसमें प्रवेश कर गया। गुफा में अंधेरा था और उसमें किसी जंगली जानवर के होने का भी भय था, लेकिन मोहन उसमें भीतर बढ़ते जा रहा था। आगे चलकर गुफा में कई रास्ते दिखाई दिए। ये कोई गुप्त मार्ग प्रतीत हो रहे थे। उनमें से एक मार्ग से हल्का प्रकाश आता दिखाई दे रहा था। मोहन उसी रास्ते पर आगे बढ़ चला। आगे बढ़ने के साथ ही प्रकाश बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि गुफा के आगे कोई खुली जगह है। मोहन तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे गुफा का द्वार स्पष्ट दिखाई देने लगा। मोहन गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वहां बहुत ऊंचे पेड़ थे, गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला थी, एक पहाड़ी नदी भी बह रही थी और अत्यंत रमणीय दृश्य दिखाई दे रहे थे। इस तरह के खूबसूरत दृश्य उसने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। नदी के एक छोर पर एक बरगद का विशाल पेड़ था। वो पेड़ बार बार मोहन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उस पेड़ में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि मोहन के मन में उसके पास जाने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। मोहन गुफा से बाहर निकला और स्थान का जायजा लिया। इसके बाद वो नदी पार करके उस पेड़ के पास जाने लगा। मोहन की ये कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग आप शुक्रवार को देख पाएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।